ओह मारा जाती बारे संभव ना। मारूफ एक दिन जब अपने रसोई घर के पास से गुजर रहा था तो उसने रसोई घर के पास लगे एक पेड़ से चहचाने की आवाज सुनी। जिज्ञासा बस दो दोस्तों जब हमने पड़खी को देखा तो हम पेड़ पर चढ़ गए और ये हैं इसके बच्चे। हमने देख के बहुत ही अच्छा लगा यार गाइस, हमें बच्चों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। एक बच्चा है और दो अंडे हैं। तुमने पेड़ पर चढ़ा देखा और फिर उनको नीचे उतारा। अभी तो आ गई है तो खैर कोई बात नहीं, अभी इनको छोड़ देते हैं, बाकी बारिश का मौसम है तो अगर बारिश आएगी तो ये मर जाएंगे। देखो अपने बच्चों को कैसे प्यार कर रही है गाइस, ऐसे कौन प्यार करता है, एक माँ ही प्यार करती है गाइस, सबके बस की बात नहीं है ऐसे प्यार करना या कर माना। उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे डांट लगाई क्योंकि जंगली पक्षियों को इंसानों से डर लगता है, इसलिए अब वो चित्रों के परिवार को परेशान नहीं करता। लगभग 16 से 17 दिन बाद की बात है, जब मारूफ अपने घर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक चित्रुक पक्षी का चूजा नीचे गिरा हुआ था। चूजे को देखकर उसने अपने हाथ में उठा लिया। उसे समझ में आया कि ये चूजा उसके घर के पास लगे पेड़ से गिरा होगा, लेकिन अब उसे पेड़ पर चढ़कर उसे वापस रखने की हिम्मत नहीं हुई। वो अब चूजे को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल खुद ही करने लगता है। घर लाकर सबसे पहले उसने चूजे को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था और खुद से खाना नहीं खा सकता था। मारूफ की बड़ी बहन ने एक टुकड़ी में कुछ तिनके रख कर उसमें चूजे को रख दिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। मारूफ और उसके परिवार मिलकर उस चूजे की देखभाल करने लगे। ये उसे दिन में 6 से 7 बार खाना खिलाते हैं। दोस्तों आप लोग ये देख रहे हो कि ये जब थोड़ा बड़ा हो गया तो हमने इसको टोकरी से उठा के रख दिया है बड़े से एक गत्ते में। तब तक के इतने में हमारी मम्मी आ गई, बोली ये भूखा होगा इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। हमने सोचा यार इस दिन में 6-7 बार खाता है तो गाइस इसको 2-3 बार खिलाना बनता ही। हम हैं 2-3 बार मम्मी खिला देती हैं और इस समय मम्मी आ गई तो बोली लाओ हम ही खिला देते हैं। और देखो ये है अब इतना बड़ा, क्या बताएं। ये देखो पड़की जो होती है ना देखने में अच्छी लगती है और देखो एक ऐसे दाना चूंग रही है, ऐसे ही दाना चूंगती रहती है। अब देखो ये हमारे हाथ से उठा के चावल खा रही है जो कि बड़ा देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा नहीं हो गया है कि अब ये खुद के पैरों पर चल पाए। अभी तक ये हमारा ही सहारा लेगा और लेता रहेगा। और ये तो बहुत प्यारा ये कुमड़ा का है पेड़, इसमें देखो ये अपना घोंसला बना के बैठ गया आराम से और इसने बच्चे भी दे दिया यार गैस, क्या चमत्कार दोस्तों। ये है ये देखकर वो उन्हें परेशान नहीं करता क्योंकि भले ही उसका दोस्त चित्रक पक्षी उससे नहीं डरता हो, लेकिन उसका साथी नर चित्रक पक्षी उसे देखकर डर जाता था। लेकिन अंडे देने के बावजूद जब खाने का समय होता था तो मादा चित्रक पक्षी उड़कर मारूफ के पास चली आती थी। लगभग 17 से 18 दिन बाद जब मारूफ ये देखने के लिए गया कि अंडे से चूजे निकले हैं या नहीं, तो उसने देखा कि अंडों से 2 चूजे निकल चुके थे लेकिन ये हिल नहीं रहे थे। जब मारूफ ने उन्हें हाथ में लिया तो उसे पता चला कि टांट के कारण दोनों चूजे मर चुके थे। ये देखकर मारूफ ने फैसला किया कि ये चित्रक पक्षियों के लिए अपने घर में एक बेहतर व्यवस्था करेगा। इसलिए जब अगली बार उसकी मादा चित्रक पक्षी उसके पास आई तो उसने उसे अपने चित्रक पक्षी के पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वो उड़कर ना जा सके। मादा को बंद करने के बाद नर चित्रक पक्षी भी अपने साथी को कूचते कूचते मारूफ के घर आ गया। इसके बाद मारूफ ने उसे भी पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और 3-4 दिन तक उन्हें कैद में रखा। कुछ दिनों तक उन्हें पिंजरे में बंद रखने के बाद मारूफ ने उन्हें अपने घर के कोने में रखे बांस के पिंजरे में रख दिया, लेकिन नर चित्रक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलते ही उड़ गया। दूसरी ओर मादा चित्रक पक्षी जो अब मारूफ की पालतू बन चुकी थी उसके घर में ही रहने लगी।
मारूफ जब रात को पढ़ने बैठता है तो कबूतर उड़कर उसके पास आ जाती है। कुछ दिनों के बाद मारूफ ने देखा कि मादा चित्रक पक्षी ने पिंजरे में तिनकों से एक छोटा सा घोंसला बना लिया जिसमें वो अंडे दे सके। यह देखकर मारूफ बहुत खुश हुआ। अंडे देने बैठने के 4-5 दिन बाद मादा चित्रक पक्षी ने पिंजरे में 2 अंडे दिए है। अंडे देने के बाद उसने लगातार 14 से 15 दिन तक उन अंडों पर बैठकर उन्हें सेतने लगी। कुछ दिनों बाद मारूफ ने देखा कि मादा चित्रक पक्षी ने अपने मुंह में अंडे के छिलके लेकर पिंजरे से बाहर निकल रही है। जब वो अंडे के छिलके लेकर उड़ गई तो मारूफ ने घोंसले में जाकर देखा कि घोंसले में एक सुंदर चूजा जन्म ले चुका है। एक दिन बाद दूसरे अंडे से भी एक और चूजा बाहर आ गया है। तब रात होने के कारण पक्षी अंडे के छिलके को बाहर नहीं लेकर जा पा रही थी, इसलिए मारूफ खुद ही अंडे के छिलके को बाहर फेंक के आया है। चूजों के जन्म के बाद से पिता पक्षी अब दिन में कई बार उनके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन नर पक्षी अपने पत्नी और चूजों के साथ रात में नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही उसे आसपास इंसानों की आवाजाही दिखती है वो डर जाता है। फिर भी चाहे वो जितना भी डरे, ये जिम्मेदार पिता पक्षी अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहा है। माता पिता के प्यार और देखभाल और मारूफ की निगरानी में धीरे धीरे चित्रक पक्षी के बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। पड़ोस के एक लड़के ने खेलते खेलते नर चित्रक पक्षी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर मिलते ही मारूफ वहाँ दौड़ कर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस चोट से चित्रक पक्षी की मृत्यु हो गई थी। मारूफ ने दुखी मन से उसे घर लाकर मादा चित्रक पक्षी के सामने रख दिया। मादा चित्रक पक्षी बार बार उसके आसपास चक्कर लगाकर उसे पुकारने लगी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मादा इसे नींद से जगाने की विफल प्रयास कर रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मारूफ ने अब मादा चित्रक पक्षी और उसके चूजों की देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। 3-4 महीने बाद बिना पिता के ये चूजे अब पूरी तरह से बड़े हो गए थे और उन्होंने भी मारूफ और उसके परिवार को अपना लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे। धन्यवाद।